बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के हाथों पाँव में जलन होती है या ख़ारिश होती है या जिन लोगों के हाथ पाँव वगैरह सुन्न हो जाते हैं। नाज़रीन-ए-किराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन B12 हमारे जिस्म में क्या काम करता है और इसकी कमी से हमारे जिस्म में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, और साथ ही साथ उन ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप विटामिन B12 की कमी को फ़ौरन पूरा कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत अहमियत की हामिल है, इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अलशिफा टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बरवक्त मौसूल हो। नाज़रीन कराम, आजकल ज़्यादातर लोगों में पट्टों में खिंचाव का मसला पड़ रहा है। इसके अलावा वो लोग जिनके हाथों पाँव में जलन होती है या जिनके एजाज सुन हो जाते हैं, ये तमाम मसाइल जैसा कि हाथों और पाँव में ख़ारिश होना, जलन होना या सुन हो जाना वगैरह विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकते हैं। जो लोग कमज़ोर हैं या उनका वज़न बहुत कम है या हर वक्त थकावट महसूस करते हैं, भूख नहीं लगती या किसी भी काम में दिल नहीं लगता, ये तमाम मसाइल भी विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये तमाम मसाइल विटामिन B12 की कमी से ही हों, कोई और वजूहत भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इन मसाइल का विटामिन B12 की कमी की वजह से शिकार होते हैं। नाज़रीन करम, अपने मौलवी से मशवरा और इलाज ज़रूरी है। और जो लोग दिल की बीमारियों का शिकार हैं या उनके दिल की धड़कन तेज़ रहती है तो ये भी विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकता है। वैसे भी जब भी दिल की बीमारियों की बात आए तो विटामिन B12 इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। विटामिन B12, फोलिक एसिड और बायोटिक, ये तीनों मिलकर आपके जिस्म में खून की रवानी को तेज़ करते हैं और शरियानों को खोलते हैं और दिल की धड़कन को बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन कराम, ये तो कुछ मसाइल या अलामत थी जो विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकती हैं। अब हम उन कुदरती ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिनके इस्तेमाल से विटामिन B12 की कमी को फ़ौरन पूरा किया जा सकता है। नाज़रीन कराम, जो भी चीज़ें हमें एनिमल सोर्स के हासिल होती हैं यानी गोश्त, दूध, मछली, दही वगैरह, ये तमाम चीज़ें विटामिन B12 की कमी को फ़ौरन पूरा करने का बेहतरीन ज़रिया है। लेकिन फलों या सब्जियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता। ये विटामिन B12 आपको गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडे, दूध और दूध से बनी चीज़ों से, पनीर और मक्खन वगैरह से इजीली मिल जाता है। नाज़रीन कराम, जिन लोगों को किसी दूसरी बीमारी की वजह से ये तमाम चीज़ें मना है, वो ये चीज़ें खा नहीं सकते, तो सिर्फ वो लोग सप्लीमेंट की तरफ जाएं, क्योंकि उनका कोई और हल नहीं है। बाकी लोग ज़्यादा कोशिश करें कि नेचुरली यानी कुदरती तरीके से विटामिन B12 की कमी को पूरा करें। नाज़रीन कराम, वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। बंदा इन चीज़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।